ट्रेन के जरिए गांजे की तस्करी किए जाने की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस आमला और बैतूल स्टेशन चौकी की सक्रियता के चलते दो आरोपियों को ट्रेन में बैठने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से बड़े पैमाने पर गांजा जब्त कर कार्रवाई की गई। बैतूल से हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया कि नागपुर जीआरपी से सूचना मिलने के बाद जीआरपी आमला के पुलिस बल ने इटारसी तक सर्चिंग की, लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं लगा। जैसे ही बुधवार रात पुलिस बल आमला स्टेशन पर उतरा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दो संदिग्ध व्यक्ति नजर आए और पुलिस को देखते ही भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिनसे पूछताछ करने और सामान की तलाशी लेने पर 10 किलो गांजा जब्त किया गया। सर बताइए, जो कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई में आरोपी पकड़े गए? दिनांक 13/9/18 को रात्रि में सर्चिंग प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन आमला में कर रहे थे। सर्चिंग के दौरान ब्रिज के नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 3 रेलवे स्टेशन आमला पर दो व्यक्ति पिट्ठू बैग रखे संदिग्ध हालत में दिखे, जिनसे पूछताछ दिखे, जिनको टोका गया, जो भागने का प्रयास किए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ कर गवाहनों के समक्ष पूछताछ की तो दोनों बैगों में गांजा होना पाया गया, जिसकी वैधानिक कार्रवाई कर की गई। कितना गांजा है और कितनी कीमत? 5-5 किलो दोनों के पास था पिट्ठू बैग में, और उसकी कीमत 20,000 रुपये करीबन। ये सप्लाई तो नहीं बता रहे, ये तो बता रहे हम पहली बार आए हैं, ये लेकर हरियाणा जा रहे थे। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये अरे कौन सा, कहाँ से? उड़ीसा से हरियाणा ले जा रहे थे, रोहतक। दरअसल आरोपी पहली बार ही गांजे की तस्करी करने निकले थे, जिन्होंने अपने नाम प्रवीण सिंह बलवंत सिंह निवासी रोहतक बताया। दोनों आरोपी गांजा लेकर उड़ीसा से निकलकर बैतूल आए और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से हरियाणा जाने की फिराक में थे, लेकिन आरोपी ट्रेन पकड़ पाते इससे पहले ही वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब्त गांजे की कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है, जिसे हरियाणा में दुगनी कीमत में बेचे जाने की जानकारी आरोपियों ने पुलिस को दी। क्या नाम है आपका? प्रवीण। प्रवीण, बताइए गांजा कहाँ लेके जा रहे थे तुम लोग, कहाँ सप्लाई करते थे? गांजा हरियाणा ले जा रहे थे सर। अच्छा, कितना ले जा रहे थे? 5 kg। कहाँ से खरीद कर लाते थे? ये उड़ीसा से ले आए थे पहली बार। वहाँ ले जाकर बेचते थे? जैसे पुड़िया बना के बेचते थे। अच्छा, कितना पैसा मिलता था तुमको इसमें? इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, जैसे 4,000 रुपये का वहाँ से मिलता था, 5-5.5 का बिल जाता था। अच्छा, कब से काम कर रहे थे? अभी पहली बार आए थे सर। बैतूल में क्या कर रहे थे? बैतूल से गाड़ी पकड़नी थी। कहाँ के लिए? ये छिंदवाड़ा। कंडीशन? कितने लोग थे? जैसे दो। भले ही तस्करी के लिए अपराधी ट्रेनों का सहारा ले रहे हों, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते आरोपी पुलिस की पकड़ में आ ही जाते हैं, लेकिन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस बल को ज्यादा और सतर्क होने की जरूरत है।